और मेरी प्यारी फैमिली वालों, कैसे हो आप सब। तो आज इस वीडियो में बहुत कुछ खास लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी बेहतरीन टिप्स लेकर आई हूँ जो आपकी जिद्दी चर्बी को भी मोम की तरह पिघला देगी और जिसको फॉलो करना बहुत ही आसान है। हम में से बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता होती हैं, लेकिन फिर भी हम इनको छोटा मोटा समझ के इग्नोर कर देते हैं और यही छोटा समझ कर हमें मोटा कर देती है। एग्जैक्टली। तो बस फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या है वो वेट लॉस टिप्स जो आपकी जिद्दी चर्बी को बिल्कुल मोम की तरह पिघला देंगी। और हाँ, इस वीडियो का बेनिफिट एक और भी है। अगर आपकी अभी डिलीवरी हुई है, उसके बाद भी अपने टमी फैट को या ओवरऑल बॉडी फैट को कम करना चाहते हैं, या फिर आपको डायबिटीज है, आपको थायराइड है, पीसीओएस है, पीसीओडी है, कोई भी फिजिकली हार्मोन समस्या चल रही है, तो भी आप इजिली इन टिप्स को फॉलो करके अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो बेहतरीन सी टिप्स। टिप नंबर 1, हम कितने भी जल्दी में क्यों ना हो, लेकिन अब से यानी जब आप वीडियो देखेंगे उसके नेक्स्ट मॉर्निंग से आपने पीना है वेट लॉस सुबह उठते ही, चाहे कितनी भी जल्दी हो, लेकिन इसके लिए आपको टाइम निकालना ही निकालना है अगर आप बिना एक्सरसाइज के वेट को चाहते हैं वो बढ़े नहीं और घटना भी शुरू हो जाएगा। तो इस वेट लॉस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले आप फटाफट से किचन में भाग कर जाओ और एक बर्तन ले लो, उसमें डाल दो 2 ग्लास पानी। 2 ग्लास पानी डालने के बाद गैस को फुल सेक पे रख दो। अब उसमें डालो 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच अजवाइन और 1/4 स्पून दालचीनी पाउडर। अब जो मैंने इसमें तीनों इंग्रेडिएंट ऐड करे हैं ना, ये आपके बॉडी से ब्लॉटिंग को, एसिडिटी को, आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा रखेंगे, मेटाबॉलिज्म को बहुत फास्ट करेंगे और आपकी जिद्दी चर्बी है ना उसको बहुत अच्छे तरीके से ये मेल्ट करेंगे। आपके ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है। और बेली फैट को, जो जिद्दा वाला बेली फैट होता ना, जो निकल तो बहुत जल्दी आता है लेकिन जाने का नाम नहीं लेता, ये उसको भी टाटा बाय बाय बोल देगा। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से काट लेना है। कट गया तो आप गैस बंद कर दो, उसके बाद छान कर इसको आप ग्लास में ट्रांसफर कर लो। हो सके तो कांच के ग्लास में ही रेमेडी पिया करो, और जो छन्नी का इस्तेमाल करते हो स्टेन करने के लिए, वो स्टील की छन्नी का इस्तेमाल किया करो, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो मेल्ट होके हमारी बॉडी में जाता है, जिससे कि वो बहुत तरह के एसिड रिलीज करता है जो हमारे मोटापे और इनडाइजेशन को पैदा करता है। अब आप इसको छान लीजिए, 2 ग्लास आ जाएगा। अब क्या करना है, आपने इस 2 ग्लास को चाय की तरह सिप सिप करके पीना है और इसके 1 घंटे बाद ही आपको कुछ खाना है। कुछ खाने का मतलब ये नहीं कि आपने ब्रेकफास्ट मिस करना है। ब्रेकफास्ट आपने कभी मिस नहीं करना। ब्रेकफास्ट मिस करोगे तो लंच में और ऑफिस जाते जाते इतनी भूख लगेगी, जो कुछ सामने आएगा अनहेल्दी वो भी खा लोगे। तो ब्रेकफास्ट की बहुत हेल्दी रेसिपी मेरे पास में है जो आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं, खुद खा सकते हैं, वो है मूंग दाल चीला, जो प्रोटीन और न्यूट्रिशन से भरा होगा। आप कहेंगे कि उसको बनाना कैसे है, बनाना सिर्फ 5 मिनट में है, बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां से जाके उसकी रेसिपी देखें और उसको खाएं। अब बारी आती है मिड मॉर्निंग स्नैक की, यानी आपको डेली का एक फ्रूट खाना है। 10 बजे या सपोज आपने ब्रेकफास्ट करा तो 12 बजे आपको कुछ ना कुछ खाना है, कुछ ना कुछ से मतलब हेल्दी डाइट इनटेक करनी है। इसके लिए आप बनाना ले सकते हैं, आप एप्पल ले सकते हैं, जो भी सीजनेबल फ्रूट है, क्योंकि ये सस्ते भी होते हैं और वेट लॉस के लिए बहुत बढ़िया भी होते हैं। अपनी डाइट में डेली का ना एक पोमेग्रेनेट यानी अनार को जरूर ऐड करें, क्योंकि अनार आपके स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो लेकर आता है और साथ में आपके शरीर में खून की कमी नहीं होने देता। अब बारी आती है लंच की। लंच अगर आप 2 बजे कर रहे हैं या 1 बजे कर रहे हैं, अब उसमें क्या खाएंगे, उसमें अब आपको क्या खाना है, गेहूं की रोटी की जगह आप कुछ ज्वार की रोटी या मल्टीग्रेन रोटी का इस्तेमाल करना है। मल्टीग्रेन रोटी अब आप पूछेंगे कैसे बनानी है या आटा ले आए, नहीं जी, मार्केट वाला मल्टीग्रेन बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके लिए मल्टीग्रेन रोटी कैसे बनानी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अब वहां से जाके उस रोटी की रेसिपी देखें और उसको बनाएं। तो आप 2 या 3 रोटी खाएं, क्योंकि रात को हमने रोटी नहीं खानी है। इसके साथ मैं आपसे कहूंगी ग्रीन वेजिटेबल्स को, दाल को ज्यादा आप इनटेक करें। जैसे अभी तक आप 1 कटोरी दाल ले रहे थे, तो उसकी जगह आप 2 कटोरी दाल लें। अब लंच में हमें या तो 1 कटोरी दही लेना है या फिर 1 गिलास छाछ का इस्तेमाल जरूर करना है आपने। ठीक है, अब आपने लंच कर लिया, अब बारी आती है 5 बजे की, जब हमारी नाक और हमारा दिमाग समोसे, पिज्जा, बर्गर इन सब चीजों में बहुत चलता है। तो हमें अपने दिमाग और नाक को कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है उसके लिए भी आपको बता देती हूँ। उसके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आप मखाने ला सकते हो, ठीक है, मार्केट से। उसको हल्का सा देसी घी डालकर 1 चम्मच, थोड़ा सा नमक डालकर उसको रोस्ट कर लो और डब्बी में बंद करके अपने साथ ले जाया करो, और वो डब्बा जहाँ भी आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, अपने साथ कैरी करो, ताकि आप जंक फूड खाने से बचो। क्योंकि जब तक आप जंक फूड खाओगे आपके शरीर का बेड़ा गर्क रहेगा, आपका शरीर कभी कम हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, ये तो हो गई 5 बजे तक का शेड्यूल। अब आती है डिनर की बारी, जो आपने 7 से 8 के बीच में कर लेना है, इससे लेट नहीं खाना। डिनर से पहले आपको एक चीज फॉलो करनी है, क्या करना है, जो आपको इंडाइजेशन से बचाएगा। आपने सर्दी हो या गर्मी, बहुत छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेना है, उस पे डाल देना है काला नमक। आपको उसको चबा चबा के खाना है। जानती हूँ कड़वी लगेगी, लेकिन वो कड़वी चीज ना आपके पेट को, आपके वेट को इतना बढ़िया मैनेज करेगी ना कि आप देखकर हैरान हो जाओगे। अब आपने ये खा लिया, अब 10 मिनट बाद आती है डिनर
लड़की कि डिनर में क्या खाएं। डिनर के लिए आप घी ला सकते हैं। अब इसको क्या करना है, आपने ना पानी डाल के बॉईल कर लेना है, उसमें हल्का सा आप नमक, बहुत हल्का सा, क्योंकि रात में हमने नमक नहीं लेना, नमक क्या करता है वाटर लेवल बढ़ाता है, आपके बल्जेस आने लगते हैं, तो आपने नमक का इस्तेमाल नहीं करना ना के बराबर। काली मिर्च आप डालो, थोड़ी सी हींग डालो, आप उसमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल जरूर करो, उनको कट्ठे ना उबाल दो, उबालने के बाद उसमें ग्राइंडर चला दो, उसका जूस बना लो, आप वो जूस पियो। दूसरे दिन आप क्या कर सकते हो, सारी वेजिटेबल्स को कट कर आप उनका सूप बना कर पी सकते हो, उनको बॉईल कर दो, सेम उसमें लेमन डाल दो, थोड़ी सी हींग डाल दो, ये सब चीजें उसमें, जिंजर ऐड करो जरूर, अदरक और गार्लिक यानी लहसुन अपने डाइट में जरूर रखो, क्योंकि वो हमारे इनडाइजेशन से ही हमें रोकता है, डाइजेस्ट करता है हर चीज को और बेली फैट को बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है। तो डेली नाइट में आपने ये डिनर करना है, रोटी चावल नहीं खाने हैं, दाल आप चोरी भरकर आप पी सकते हो, मूंग दाल की आप पी सकते हो, आप चने की दाल का, आप बिल्कुल आपने जो भी चीजें खानी है बॉईल खानी है रात में, और रोटी चावल का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना, कतई नहीं करना। अब बारी आती है जी रात को सोने से पहले क्या ले, वो सोने से पहले आपने लेना है एक बहुत ही मैजिकल वाटर। कैसे बनाना है देख लेते हैं जी। इसके लिए आप फटाफट से किचन में दोबारा से भाग कर जाओ, एक बर्तन लो, दो ग्लास पानी डालो, उसमें आपने डालना है 1/4 स्पून दालचीनी पाउडर और थोड़ा सा अदरक, इनको अच्छे से आपने उबालना है। उबालने के बाद छान कर एक ग्लास में निकाल लीजिए, ठीक है, कांच के ग्लास में, और उसके बाद उसको चाय की तरह सिप सिप करने से पहले, मतलब आप इसको पीने से पहले क्या ऐड करोगे, थोड़ी सी हींग ऐड करोगे और हो सके तो लेमन ऐड कर लो। दालचीनी ऑलरेडी मीठी होती है तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया होगा, आप टेस्ट की बिल्कुल चिंता मत करना। अब चाय की तरह इसको सिप सिप करके पी लो सोने से एक घंटा पहले और खाना खाने के एक घंटे बाद। ये नाइट में आपकी बॉडी पर इतना बढ़िया काम करेगी कि आप देखकर हैरान हो जाओगे। ये आपके शरीर में जितना भी आपने खाया उसको अच्छे से पचाएगी, और जो भी जमा हुआ है चर्बी है ना, आपका स्टोर फैट है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा, आप कहते हो ना वेट एकदम रुक सा गया दीदी वो कम नहीं हो रहा, तो वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो बस अब आगे क्या वेट कर रहे हो, पियो और सो जाओ, एंजॉय करो अपनी लाइफ है ना, और स्ट्रेस नहीं लेना, और जो स्ट्रेस देते हैं उनको अपनी लाइफ से दफा करो, खुश रहो, और लेकिन मुझे दफा मत करना यार, मुझे बहुत सारा प्यार देते रहो। प्यार देने के लिए पता ही है, लाइक करो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, मेरा अकाउंट है इशा मेहरा, वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।